केन बेतवा प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद पूरे बुंदेलखंड में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेलखंड के लिए इसे सौभाग्य बताया और कहा कि केन बेतवा प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। जहां देश और प्रदेश के कई क्षेत्र विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा था। पर अब केन बेतवा प्रोजेक्ट के स्वीकृत होने के बाद बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। केन बेतवा प्रोजेक्ट के स्वीकृत होने को सौभाग्य करार देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन बेतवा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, ये बुंदेलखंड के लोगों के लिए खुशी का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट से 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट बनेगा और 72 मेगावाट क्षमता के 2 बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड क्षेत्र की उपेक्षा की और हमेशा प्रोजेक्ट को लटकाने भटकाने की कोशिश भी। मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और अभी जो काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टेयर करने के लिए चल रहा है और ये 10,62,000 अलग है, तो अब तो 75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश की बढ़ेगी। कांग्रेस की सरकारों ने प्रोजेक्ट लटकाए अटकाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रोजेक्ट जमीन को उतार के मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल दी। मैं बुंदेलखंड की जनता को फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।